दोस्तों विराट कोहली ने शनिवार को भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने अपने इस फैसले से हर किसी को चौंकाया है। वैसे विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने से पहले बीसीसीआई के स्पेशल ऑफर को ठुकरा दिया था। खबरों की माने तो बीसीसीआई विराट कोहली को 100वां टेस्ट मैच खिलाकर ही कप्तान के रूप में विदाई देना चाहती थी, लेकिन अंतिम वक्त में कोहली ने इसकी हामी नहीं भरी और अधिकारियों की बात को ठुकरा दिया। विराट चाहते तो फरवरी के अंत में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विराट कोहली ने बीसीसीआई अधिकारी से कहा, एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं हूँ। कोहली ने अपनी कप्तानी का अंत हार के साथ किया। बता दें कि टीम इंडिया को अगले महीने श्रीलंका की मेजबानी करनी है। श्रीलंकाई टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 25 फरवरी से बेंगलुरु में खेला जाएगा, जो विराट कोहली का 100वां टेस्ट होगा। बीसीसीआई को विराट कोहली के बाद नए टेस्ट कप्तान की घोषणा करनी है और इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को अगला टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है। बीसीसीआई जल्द रोहित शर्मा के नाम पर मोहर लगाकर आधिकारिक ऐलान कर सकती है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस जानकारी के संबंध में आपकी क्या राय है, आप अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।